सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ सोनिक एंड आज हम बात करने वाले अबाउट द मोस्ट अवेटेड मॉब वार्डन जो 1.19 वाले अपडेट में आने वाला है होपफुली, क्योंकि एक्चुअली ये लास्ट दो वर्जन से डिले हो रहा है। 1.16 में आने वाला था, 1.17 में, फिर 18 बोला, बट अभी तक नहीं आया एंड फाइनली अभी 1.19 का वेट कर रहे हैं और आ ही जाएगा होपफुली। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वार्डन क्यों इतना स्पेशल है और बहुत लोग क्यों इसका वेट कर रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पे लाइक मार देना। सो लेट्स बिगिन। पहले तो मैं बता दूं कि वार्डन इज द मोस्ट अवेटेड एंड सो स्पेशल क्योंकि ये आपको तीन शॉट में मार सकता है इजीली, आराम से। अगर आपके पास नेदरराइट आर्मर है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वार्डन को, वो दो शॉट या तीन शॉट में आपको कंप्लीट कर देगा। समझ रहे हो कितना पावरफुल है। दूसरी बात ये है कि वो अंधा है, वो ब्लाइंड है और वो हमें सिर्फ सुन के पहचानेगा। समझ रहे हो, मतलब उसके सर पे एक स्कल सेंसर नाम का होता है और उसके आसपास हमें स्कल सेंसर नाम की चीज़ें, मतलब ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे जिससे वो सेंस करेगा अपने को। एंड तीसरे फैक्ट्स में मूव करें तो वार्डन हमें सिर्फ डीप डार्क सिटीज या फिर डीप डार्क बायोम्स में ही फाउंड होगा जो 1.19 में आने वाला है होपफुली अगेन, और वो सिटी में होम स्कल सेंसर मिलेंगे हमें, आई मीन स्कल सेंसर्स, और वो हम तोड़ सकते हैं, ले भी जा सकते हैं। और ये ट्रिक है वार्डन जिससे हमें नहीं पहचानेगा कि हम स्कल सेंसर सारे तोड़ दें, बट बहुत सारे दो दो मिनट पे कचरे की तरह मिलते रहेंगे तो तोड़ना आई मीन इम्पॉसिबल है। बहुत सारे एक को तोड़ने जाएंगे, आवाज़ आ गई तो वो हमें पहचान जाएगा एंड वो आ जाएगा मारने। एंड वार्डन को अवॉइड करना ही सही रहेगा उसको मारने के बिना, क्योंकि वो दो शॉट में अपने को कंप्लीट कर सकता है इन नेदरराइट आर्मर, दो या तीन शॉट। अगर आपके पास आर्मर नहीं है तो तुम तो गयो, समझ लो, समझ रहे हो। एंड वो स्कल सेंसर वार्डन यूज़ करता है फॉर सेंसिंग एंड हियरिंग आर फुट्स। अगर अपन ने एक ब्लॉक प्लेस भी किया उसकी भी आवाज़ उसको आ जाएगी एंड वो प्रकट हो जाएगा। एंड मज़े की बात ये है कि वो ज़मीन से प्रकट होता है जब सेंसर सेंस करेगा, समझ रहे हो, ज़मीन से ही निकलता है आपके सामने, और ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे ज़मीन से निकलता है। और जब वो आता है पूरा अंधेरा, डार्कनेस हो जाती है और एक नया एनवायरमेंट इंटरेक्शन है जो मॉब करेगा। ये पहला ऐसा मॉब है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और जब ये आता है पूरा डार्कनेस हो जाता है, आपके पास लाइट सोर्स हो टॉर्च हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा अंधेरा हो जाएगा और पीछे से क्या VFX साउंड आ रहा है भाई, SFX फट जाती ऑलमोस्ट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इसको एक शॉट मारेंगे ये स्पीड अप करेगा, मतलब एक शॉट मारा अपन ने एरो का तो और ये तेजी से अपने पास आएगा मारने के लिए। एंड 7-8 ले लेता है वन शॉट में। अगर आपके पास नेदरराइट का आर्मर है वो भी फुल चार्ज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दो शॉट में ऑलमोस्ट ख़त्म। अगर आपके पास कुछ आर्मर ही नहीं है तो ख़त्म, गयो वन शॉट में ही। अगला पॉइंट ये है कि जब ये प्रकट होता है नज़दीक होगा अंधेरा हो जाएगा एंड क्या बोलते हैं, एक एनवायरमेंट में वो हो जाता है, समझ रहे हो, एनवायरमेंट में फ्लिकर हो जाता है, मतलब अंधेरा होगा उजाला फ्लिकर होता है, जैसे कि जगमग जगमग बोल सकते हैं अपन को। एंड कोई लाइट सोर्स काम नहीं करने वाला बिल्कुल भी, और समझ लो। और वो एशियन सिटीज़ में, जो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ वार्डन मिलेंगे, वहाँ कैंडल्स भी रहती है बट उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो स्कल सेंसर है वो भी थोड़ा ग्लो करता है बट वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड वार्डन की कुछ ज़्यादा ही मतलब साउंड है जो एको करेगी और पूरे मतलब नीचे सुनाई देगी सिटीज़ में जब आप ऐसे भी घूम रहे हो, और मोस्टली आपको क्राउच करके घूमना पड़ेगा क्योंकि एक भी फुट आ गया तुम तो गयो, समझ लो। और वार्डन के पास ये मज़े की बात है कि उसके पास नॉकबैक का रेजिस्टेंस है, नॉकबैक एंचेंटमेंट का रेजिस्टेंट रहता है। मतलब नॉकबैक वो होता है जब अपन एक बंदे को या फिर मॉब को मार रहे होते हैं तो वो दूर जाके गिरता है जिससे उसको आने में देर लगती है, बट इसमें नॉकबैक है ही नहीं, रेजिस्टेंस है इसमें, इसको मारेंगे कहीं नहीं जाने वाला, आएगा मुंह पे और नॉक, मतलब दूर ही नहीं जाएगा, मारेगा और ये गोलेम की तरह मारता है ऐसे, दो हाथ करके फटाक करके मारेगा। एंड यस ऐसा है ये, और ये वार्डन जिसे भी सुनेगा उसको पीटेगा, एवरी सिंगल मॉब इन द गेम उसको भी मारेगा और सबको मारेगा, जिसको सुनेगा उसको मारेगा, टिक को भी नहीं छोड़ेगा, कोई मॉब को नहीं छोड़ेगा, जो दिखा वो मरा उसके सामने।
मतलब एंडरमैन तो गया, मतलब उसको कोई, वो वैसे भी बोलता रहता है, खत्म, देखने का तो सवाल ही नहीं एंडरमैन का, लुक इन माय आई एफ ब्रो, मतलब ये किसी को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए इसकी सिटी में कोई दूसरा मॉब नहीं घूमता है लॉल, वरना तो भाई क्रीपर वो स्केलेटन सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। मतलब इसकी सिटी पूरी शांत है, एकदम सन्नाटा है, अगर वार्डन रहेगा आसपास तो उसकी आवाज़ आती रहेगी बस। मूविंग टू अ अमेजिंग मज़ेदार पॉइंट, वार्डन हैज़ एन एबिलिटी टू रिमेंबर यू इफ़ यू अटैकिंग, अगर सुमड़े में भाग जाओ तो नहीं पहचानेगा, बट एक बार आपने उसको टच किया या फिर अटैक किया उस पर, तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखेगा, उसके लवर से भी ज़्यादा। एंड जब आप उसके पास दूसरी बार जाओगे, वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड, जोर एंड ज़ोर से पीटेगा आपको, क्योंकि वो आपको रिमेंबर करता है कि आपने उस पर अटैक किया था, एंड वो और स्पीड में पीटेगा आपको, एंड जल्दी सेंस हो जाता है, समझ रहे हो, मतलब स्कल सेंसर की भी फिर ज़रूरत नहीं, अगर आप दूसरी बार उसको, मतलब समझ लो पहली बार आपने अटैक किया, बच गए, भाग गए, फिर दूसरी बार जब अटैक करने जाओगे, स्कल सेंसर की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही पीटेगा, वो पहचान जाएगा आपको, मतलब समझ रहे हो, आपकी सुगंध आ जाएगी उसको। मतलब भाई मैं बहुत वेट कर रहा हूँ ये मॉब के लिए भाई, एक्चुअली बहुत डिले हो रहा है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और अभी इसके फैक्ट सुन के मेरे को भी बहुत वो हो रहा है क्यूरियोसिटी के, मेरे को भी मारना है इस। पहले विदर को तो मार ले। एंड 1.90 द वाइल्ड अपडेट में बहुत कुछ नया आने वाला है, एक एले नाम का मॉब आ रहा है जो एक्चुअली हमें हेल्प करने के लिए होगा, वो कैरी कर सकता है सामान, एंड फ्रॉग्स भी आने वाले हैं, मैंग्रोव स्वैम्स भी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, मैं उसका एक और वीडियो बनाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, अभी वार्डन पे अपन ध्यान रखते हैं। एंड इस वार्डन को और टेरिफाइंग बनाने के लिए मोजेंग ने ऐसा किया है कि इसकी एक रेंज होगी, जहाँ घूमेगा ये रेंज में घूमेगा, मतलब इसकी एक रेंज है, वो रेंज के अंदर आप गलती से भी आ गए, वो बिना सेंस करे हुए मारेगा, क्योंकि इसके सर में ही एक स्कल सेंसर है, समझ रहे हो, तो अगर उसकी आप रेंज में आ गए, उसको साउंड वाउंड की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही पीटेगा, समझ रहे हो, और जब वो आता है तब वैसे ही एनवायरमेंट में ऐसा हो जाता है, तो भाई और फटेगी। और एक और इन्फॉर्मेशन ताज़ी ताज़ी आ रही है कि ये सिटी में कुछ चेस्ट रहती है, मतलब समझ रहे हो कि ये वार्डन वो चेस्ट को सेफ रखना चाहता है लूटने से, एंड हमें लूटनी है ऑफकोर्स, हमको वार्डन को अवॉइड करना है, चुपके से वो लूट के आ जाना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिल सकता है वो चेस्ट से, लाइक एंचेंटमेंट मिल सकती है बहुत रेयरली वाली, लूटिंग 3 ये सब आराम से मिल सकता है, और वार्डन प्रोटेक्ट करता है वो चेस्ट को। एंड ये सिटी बहुत नीचे है, जस्ट अबव द बेडरॉक लेयर, मतलब ये बहुत नीचे मिलेगा, और ये बहुत स्पेशल है, मतलब आप वीडियो में देख लो यार क्या मस्त दिखती है ये सिटी, और हमें कुछ नए ब्लॉक्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये सिटी बनी है जिससे, और अलग से हमें मड ब्लॉक भी मिलने वाला है मैंग्रोव स्वैम्प्स में, फिर फ्रॉक के टेडपूल से भी एक ब्लॉक बनता है वो भी मिलने वाला है, फिर वो टेडपूल्स भी, भाई बहुत कुछ आने वाला है नेक्स्ट 1.19 वाइल्ड अपडेट में, ईगरली वेटिंग फॉर इट। सो यही था ये वीडियो में, दिस वॉज ऑल अबाउट द वार्डन एंड उसकी जानलेवा बातें, इसकी इसका अपडेट 1.19 में होपफुली आ जाएगा, एंड आई एम ईगरली वेटिंग। आप क्या सोचते हो इस मॉब के बारे में, वार्डन के बारे में क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट में बताओ, एंड नेक्स्ट वीडियो 1.19 वाइल्ड अपडेट में चाहिए या नहीं वो भी बताओ, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।